रही संविधान बदलने की बात, अभी डिस्कस किया डॉक्टर साहब ने, संविधान बदलने का लेख किसी ने लिखा है जो प्राइम मिनिस्टर का कोई खास इकोनॉमिकल एडवाइजर है। मैंने कहा यार इकोनॉमिकल एडवाइजर तू अपना हिसाब किताब दे कि तूने इकोनॉमी बढ़ाने पे क्या काम किया, कौन से लेख लिखे, किसानों की आमदनी कैसे डबल हुई, डिस्पेरिटी कैसे कम हुई, आर्थिक असमानता कैसे घटी। अरे तेरा काम वो है, तनख्वाह तेने उस बात के लिए है, वरना तेरे पे तनख्वाह उल्टी लेनी पड़ेगी सरकार बदलने के बाद, रिकवरी करनी पड़ेगी। ये किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी मंत्री के घर से पैसा नहीं आता, ये इस देश के आम आदमी का टैक्स का पैसा है। जो साबुन खरीदता है उस पर भी जब टैक्स देता है, वो सारा पैसा उस तनख्वाह को का हिस्सा है उसमें। इकोनॉमिकल एडवाइजर को इकोनॉमी के एडवाइस देना नहीं, और तुम चले संविधान को बदलने, संविधान का एबीसी तुम्हें पता नहीं, संविधान में अमेंडमेंट करो ना डंके की चोट पे, डिस्कस करो। और डिस्कस करना, अमेंडमेंट करना मेजोरिटी के आधार पर नहीं होता। घर में कोई सोचे ना कि हम पांच आदमी हैं, मियां बीबी और बड़ा बेटा साथ हैं, जो मर्जी घर में करें, दो जो छोटे बच्चे ना वो लठ मारेंगे गिर के, क्योंकि यू हैव टू डिसाइड आफ्टर कंसल्टेशन विद ऑल। घर के सब लोगों की सलाह जरूर लेनी होगी, बाद में आप वोटिंग करवा सकते हैं। वोटिंग इज नॉट डेमोक्रेसी, मेजोरिटी इज नॉट द नेम ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे पहले हर मुद्दे को देश के सामने, पूरी पार्लियामेंट के सामने, सबको डिबेट में हिस्सा लेने का मौका दोगे। ये कैसा समय आ गया है तुम माइक बंद करने लगे हो लोगों का, पूरा देश देखता है। ये बात उसमें नहीं जाते हम कौन पार्टी का राज है किसका नहीं है। देश में लगातार शासन मानसिकता बढ़ती जा रही है, उसका मतलब है जो आदमी एक बार बन जाता है वो सोचता मैं जो कह रहा हूं वही चलना चाहिए। अरे डेमोक्रेसी में शासन नहीं चलता, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था की बात करता है। और व्यवस्था के लिए इन महापुरुषों का जो हमने आज वो किया है, ये व्यवस्था लाने के मोड में थे, ये लोगों के विचार थे कि हर आदमी को कैसे एम्पावर किया जाए, उसको इस देश के 140 करोड़ पारिवारिक मुद्दों में कैसे शामिल किया जाए, लगातार कैसे भागीदारी हो। रिजर्वेशन इस देश में सिस्टम में भागीदारी का नाम है, क्योंकि समाज के सभी अंग स्वस्थ तभी रहते हैं जब हर जगह खून की सप्लाई भी सही होती रही, ऑक्सीजन की सप्लाई होती रही। तो समाज के सभी वर्गों का प्रशासन में, शासन में, व्यवस्था में हिस्सेदारी होने से क्या है, पूरा देश उसमें अपना पन ढूंढता है और अपने पन के साथ लोग सामूहिक तौर पर इकट्ठे साथ साथ चलते हैं और ग्रोथ करते हैं। इसलिए रिजर्वेशन को खाली नौकरी का और ये टैलेंट से जुड़ा हुआ, कुछ लोगों ने देश में बहुत ये भ्रम फैलाया कि रिजर्वेशन में तो क्या है पढ़े लिखों का हक मारा जाता है। जिस जिसको रिजर्वेशन मिला या जिसको रिजर्वेशन भी नहीं मिला वो शिक्षा के नजदीक पहुंच गया किसी भी तरीके से, हर बच्चे ने, जिसको रिजर्व कैटेगरी भी कहते हैं लोग, उनके बच्चों ने वो कमाल किया कि वो जनरल कैटेगरी के बच्चों से भी ज्यादा नंबर लेके अब नौकरियां पाते हैं। इसे ये साबित हो गया कि ये भ्रम जो फैलाया जा रहा था समाज में कि रिजर्वेशन के सारे ही अच्छे पढ़े लिखे लोगों का या जो सही समझदार है इस देश में उनका हक मारा जा रहा है, ये नॉनसेंस, इससे बड़ी कोई नॉनसेंस नहीं थी और वो भ्रम दूर हो गया देश का। रिजर्वेशन एक भागीदारी है, अगर भागीदारी ट्रांसपेरेंसी के साथ वैसे ही हो जाए देश में तो किसी को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। ये रिजर्वेशन की मांग भी तब तक है क्योंकि समाज ये फील करता है कि पूरे समाज की भागीदारी नहीं है। घर में भी सबकी भागीदारी ना हो तो घर में भी झगड़ा होता है, तो भागीदारी सुनिश्चित करना का रास्ता रिजर्वेशन है। ये एक पॉजिटिव रास्ता है फिलहाल, जब तक समाज में वो ट्रांसपेरेंसी व उस तरह की व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती कि जब जो चाहे उसको ट्रांसपेरेंसी के आधार पे, योग्यता के आधार पे और सबकी भागीदारी हो, सब अपनापन फील कर सकें इस व्यवस्था में देश की, तब तक ये रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा सही माध्यम और साधन है सभी की भागीदारी को सुनिश्चित करने का, जिसमें अभी भी गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि अगर आप बैकवर्ड जिन लोगों को मानते हैं और उसके आधार पे, आर्थिक आधार पे या बैकवर्डनेस के आधार पे या सोशली बैकवर्डनेस के आधार पे रिजर्वेशन का उसको प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो बैकवर्ड्स कितने लोग हैं वो भी पता होना चाहिए। इस देश में तो झगड़ा इसी बात का चल रहा है कि उनकी गिनती हो या ना हो, स्टेट गिनती कराना चाहते हैं, सेंटर कहते हैं तो हमारा अधिकार, हम कराएं ना कराएं। इस तरह से ये सब साबित होता है कि देश में ट्रांसपेरेंसी नहीं, नीयत खराब है लोगों की, और वो नीयत ठीक करने की जरूरत है। वो जिम्मेवारी उन लोगों की नहीं है खाली जिनको कुछ फायदा हो रहा है, उन लोगों का भी बोलने की ड्यूटी। आज जिनको लगता मुझे फायदा हो रहा है चुप रहूं, तो
तो कल को उस बात का नुकसान उनको भी उठाना पड़ता है। जब रिजेंटमेंट होती है सोसाइटी में तो उसका नुकसान किस किस को होता किसी को पता नहीं। इसलिए हमेशा राइट बात के हक में खड़ा होने की ड्यूटी, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर हम उस वक्त नहीं बोलते तो जब गलत समाज में होता है तब उसमें हम आरी खुद की जिम्मेदारी होती है, किसी और की नहीं। लेजिस्लेचर जिसका काम है कानून बनाना संविधान के अनुरूप, कार्यपालिका जिसमें प्राइम मिनिस्टर से लेके ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सारे मंत्री वंत्री और सारा नीचे की ब्यूरोक्रेसी। नंबर थर्ड जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियरी। अब हो क्या रहा है, पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनके ध्यान में ये लगातार रहता नहीं, शायद उनको पता भी नहीं, बहुत सारे लोगों उस पर मनन मंथन चलता नहीं। जिस हिसाब से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं उसमें जुगाड़ करके सारा काम हो रहा है पूरे हर पॉलिटिकल पार्टी में, किसके बदले में कौन जीत सकता है, कौन किस कास्ट के वोट ले सकता है, कौन किस जाति के वोट ले सकता है, इसलिए उसमें आदमी गलत सलत कुछ भी हो चलता है। और वो गलत सलत आदमी प्रतिनिधि चुन तो जाते हैं हमारे यहाँ चुनाव का जो भी तरीका है नो प्रॉब्लम, मगर उनके जहन में इस देश के संविधान को पूरा तो उनको पता ही नहीं ज्यादातर को, मगर उनको प्रियम्बल भी अगर याद है कि हम इस काम के लिए आए हुए हैं, जो प्रीम्बल में प्रस्तावना में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लक्ष्य रखा हुआ पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता को क्या चाहिए, पूरे देश की जनता के लिए किस तरह की व्यवस्था चाहिए, उसमें सारे न्याय की बंधुता की इक्वलिटी की सारी बातें हैं। अब उसमें जुडिशरी पे भी क्वेश्चन मार्क है। वो क्या क्वेश्चन मार्क है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो पावर है, लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा की गारंटी देना और संविधान को बचाना इन लोगों का काम है। ये लोग कितना काम कर रहे हैं, मैं ओपन मंच से इस बात को कहता हूं, बार बार अंदर सुप्रीम कोर्ट में भी कहता हूं, 5% काम किया है, इनके 100 में से 5 नंबर है अभी तक। 75-80 साल इस देश को आजाद हो गए हैं और ये जुडिशियल सिस्टम पहले से चला आ रहा है, रिट जुरिडिक्शन जितना इन लोगों के पास है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, ये काम क्यों नहीं कर पा रहे, उस प्रियम्बल में जो लिखा हुआ उसके अनुरूप रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा, देश में अनइक्वलिटी बढ़ी है कि कम हुई है, इक्वलिटी की हम बात करते हैं, भाईचारा ज्यादा हुआ या कम हुआ है, अरे लिटरेसी तो बढ़ गई मगर बाकी चीजें कहां पहुंची, फिर लिटरेसी का मीनिंग क्या है, लिटरेसी का मीनिंग क्या है, कबूतर एप्पल का मतलब नहीं है, या आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ लिया फिजिक्स से आप बड़े भारी साइंटिस्ट हो गए या जज बन गए, आपको पता है संविधान की सारी धाराएं आपको याद है, इसका कोई मायने नहीं है। संविधान का ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्टिव जो उसमें तय किए हुए वो कहां तक आपने अचीव किए हैं, आपके जजमेंट ने अचीव किए हैं, आपकी जो जजमेंट आती है उससे भाईचारा बढ़ रहा है, इकोनॉमिकल इक्वलिटी बढ़ रही है क्या, इस तरह के क्वेश्चन मार्क अब जुडिशरी पे भी है और एडवोकेट लोग वोकल हो रहे हैं। वोकल क्यों हो रहे हैं, जब तक एक नहीं बोलता दूसरे भी बोलते नहीं, वकील लोग भी इन बड़े बड़े शहरों में आके जो वकालत देश की स्टेटों की राजधानी और सुप्रीम कोर्ट देश की राजधानी में करते हैं, हम सब उसी चक्कर में अपने बच्चों को पढ़ाने में और किराए देने में और इस तरह के गाड़ी घोड़े के जुगाड़ करने में लगे रहते हैं, प्रियम्बल हम भी भूल जाते हैं कि हमारा काम क्या था, हम किस काम के लिए डिग्री लेके आए थे बड़े बड़े सपनों के साथ, हम उसमें कितने कामयाब हुए हैं, और हम क्या उस दमखम के साथ अपने केस को प्लीड कर पाते हैं क्या कोर्ट के जजेस के सामने, या फंक्शन में जब वो हमें मिलते हैं उनकी दुआ सलाम राम रमी के अलावा कुछ और भी उनके कानों में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन मार्क, मैं क्योंकि लॉ का स्टूडेंट हूं मैं जुडिशियरी पे क्वेश्चन मार्क करता हूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का मेंबर नहीं, हम कोई ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, मंत्री संतरी नहीं है। हर वकील ये जुडिशरी से पूछे कि भाई दो अंग खराब थे, जब लीवर किडनी खराब होती अरे हर्ट तेरा क्या हाल हुआ, तू भी बैठ गया। तो इनको हर जज को हर सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को क्वेश्चन मार्क करना अब वकीलों का काम है। एक अकेला चीफ जस्टिस संविधान को लागू करने के जुगाड़ में है, कोशिश में है, वो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में कहा ओपनली, अब लोग वोकल हो गए हैं जजों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहां क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जज वो आते हैं कि किस हाई कोर्ट का जज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो हमने बल्कि जस्टिस गवई के सामने एक दिन प्रोग्राम में, डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन की जयंती हमने मनाई थी सुप्रीम कोर्ट लाउंज में, वहां ओपनली कहा था ये धंधा गोरख धंधा बंद करो सर। बोले क्या, कि जो जज है भाई यहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अब ये बात छोड़ दो आप,
किस हाईकोर्ट का रिप्रेजेंटेशन है। अब इस बात का ध्यान रखो कि समाज के अंग का रिप्रेजेंटेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, ये गदर फंड नहीं चलेगा अब इस देश में। तो उसके लिए हम सबको वोकल होना पड़ेगा, इकट्ठे होना पड़ेगा, देन जब प्रेशर बनाते हैं, जब बात को रखते हैं बार बार, तब इम्प्लीमेंट होती है। और बड़ी बात यह है कि जब इक्वेलिटी और डिग्निटी की बात करते हैं, प्रोफेसर रतनलाल जीते जागते उदाहरण हैं, जो अपने कॉलेज में इनकी प्रमोशन तक रोकने का काम सिस्टम कर रहा है। सिस्टम में अभी इक्वेलिटी, आदमी को आदमी की तरह ट्रीट ही नहीं किया जा रहा। और जब दिल्ली में, देश की राजधानी में, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नामे ग्रामीण कॉलेज में ऐसा हो रहा है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं देश के दूर दराज इलाकों में क्या हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अगर अन्याय एक के साथ होता है तो समझो अन्याय पूरी दुनिया के साथ हो रहा है, और उसी के साइड इफेक्ट हैं जो समाज के अंदर घर्षण के रूप में, लड़ाई झगड़े के रूप में और फसादों के रूप में समय समय पर निकलते हुए नजर आते हैं। बहुत सारी चीजें इकट्ठी होती है मानसिकता में, तब जाके कोई छोटी सी चिंगारी बड़े उपद्रव में बदलती है देश और दुनिया के अंदर। इसमें कोई दो राय नहीं, अभी तक हमारे देश में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं इनमें चलन ही नहीं रिसर्च करने का। क्या रिसर्च करने का? हमारे वकील लोग भी अपने बच्चों को इंग्लैंड में, यूएस में, बाहर की यूनिवर्सिटियों में LLM कराने में गर्व महसूस करते हैं इंडिया की बजाय। क्या कारण है? वहां पर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च होती है, अपनी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पे रिसर्च करते हैं प्रोफेसर, वो पब्लिश होती है और ओपन डिबेट होती है, बाहर आती है कि किस मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट के या किसी हाई कोर्ट के, विदेशों की बात कर रहा हूं मैं, कि जजमेंट में आपस में क्या गड़बड़ है, जो पर्टिकुलर लोगों के साथ उसने बिहेवियर रीजनिंग गलत दी और दूसरे में कुछ फेवर किया। हमारे यहां ये प्रचलन अभी कम है, अदरवाइज तो बहुत सारी ऐसे जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट्स के, जिसको अगर ध्यान और रिसर्च किया जाए यूनिवर्सिटीज में, ये पाएंगे कि गरीब तबका जो है उसके साथ उन्हीं जजों ने या उन्हीं कोर्टों ने के फैसले कुछ अलग हैं, और जो प्रभावी लोग हैं उसी मुद्दे पे, उन्हीं पॉइंट्स पे, उसी लॉ पे, उसी धारा में जजमेंट्स अलग हैं। वो बस ऐसे हैंडल घुमा देते जैसे गाड़ी का हैंडल मोगा है, राइट और लेफ्ट हो गए, लोगों को पता नहीं चलता। लोग ये सोचते रहते हैं हाई कोर्ट की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इससे आगे क्या करें। अब लोगों को, वकीलों को भी, नए स्कॉलर्स जो नए स्टूडेंट हैं, उनको ये देखना होगा किस जजमेंट में सेम ज्यूरिसप्रूडेंस को लागू नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के भरोसे भी रहने की जरूरत नहीं है, अलग बॉडी बना के भी वोकल होने की जरूरत है। और मैं तो कहता हूं जरूरत है इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की भी। सच्ची बात पे कोई कंटेंप्ट नहीं होता। If you are speaking truth, there is no contempt. फिर किसी जज का इंडिविजुअल भी अगर करप्शन के या गलत आचरण का कुछ हमारे पास सबूत है, उसका भी कोई कंटेंप्ट नहीं होती। ये भय इस देश को खत्म करना होगा, खासतौर पर वकील समाज को। जमानतों के केस में भी अक्सर वकील लोग डिस्कस करते हैं, गरीब गुरबे या जिनको कमजोर जातियां समझते हैं लोग, उनके लोग जेलों में ज्यादा हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं, उनको जमानत नहीं मिलती, सुप्रीम कोर्ट तक भी डिसमिस हो जाती है। और जो प्रभावी लोग हैं उनकी जमानतें भी अगर देखेंगे कि उन्होंने कितने समय में जमानत मिली, कितने वक्त वो जेल में रहे, ये रिसर्च का मुद्दा इस देश के लिए। डिस्क्रिमिनेशन आज प्रशासन में नहीं है, जुडिशियल लेवल पे भी हमें चेक करना है और उसको रोकना होगा। इसी का नाम है राइट टू एक्सप्रेशन, कि आदमी के जो विचार हैं या जो मन में है वो परिवार के सामने कह पाए और परिवार पेशेंस के साथ उसको सुन पाए, रिएक्शन ना करे, रिस्पॉन्स दे, यही राइट टू एक्सप्रेशन है। अब हो क्या रहा है, इस राइट टू एक्सप्रेशन के लिए हमने प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले, उससे पहले पूरे देश में यह स्थिति थी को खुल के बोलना ही नहीं चाह रहा था। अब ये सोचते हैं भाई खुल के कौन बोलेगा, खुल के कोई देश में सत्ता पक्ष विपक्ष ही नहीं बोलेगा, ये देश के आम लोग बोलेंगे। तो हमने एक राइट टू एक्सप्रेशन पर प्रोग्राम किया और उसमें सभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइसेंसशुदा पत्रकार बैठे हैं टीवी के, इसके प्रिंट मीडिया के, सबको हमने निमंत्रण दिया, सब बड़े खुश हुए। अगले दिन मैंने कहा भाई कितने लोग आएंगे, उन्होंने कहा सर आएंगे हम सब लोग, हमें बोलने का भी मौका देना। मैंने कहा आप लोगों को दो को मौका मिलेगा। तीसरे दिन मैंने कहा भाई वो दो कौन बोलेंगे, वो सारे चुप, बोले जी हमें तो आना भी मुश्किल है। भाई क्यों आना मुश्किल है? क्यों? हमें परमिशन लेनी पड़ती है अपने चैनल से, मीडिया हाउस से,
हम नया प्रोग्राम में भी आ सकते, मगर तुम छुप के आ जाना। बोला कोई फोटो ले लेगा, पता चल जाएगा वहां गए थे। तो ये पत्रकारों का हाल है इस देश के, जिनको कहते हैं लाइसेंस शुदा गुंगे लोग, उसका नाम है गोदी मीडिया। तो ये सिचुएशन है। अब बेचारे बच्चे आए थे कि पत्रकार बनेंगे, देश के सामने सारी बातें रखेंगे, वो अपनी रोजी रोटी के चक्कर में वो भी इसी तरह गूंगे हो गए जैसे मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट हो गए। कि मेजोरिटी ऑफ एडवोकेट कहां बोल पाते हैं। हमारा काम बोलना है कि देश में कोई भी समस्या होती है, बार का मतलब क्या है, खाली मेंबरों के सुविधाओं के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट की बार उस वक्त अगर ना खड़ी हो कि जब देश सुनना चाहता है कि वकील इस वक्त क्या बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने जजमेंट के जरिए नहीं बोलती, वो गूंगी अगर हो जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों को, मेंबरों को, एडवोकेट्स को बोलना चाहिए। अगर एससीबीए भी नहीं बोलती तो कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन बना के बोले तो देश को राहत मिलती है कि कोई बोल रहा है। यहां से अगर आवाज आती है तो जो लोग दूसरे विंग हैं देश में, जुडिशियल हो, लेजिस्लेचर हो, चाहे कार्यपालिका के लोग हैं, सबका ध्यान जाता है सुप्रीम कोर्ट के वकील बोलते हैं कि क्या बोला है। तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कल दो तीन दिन पहले, दो चार दिन पहले की बात है, कोई एक प्रोफेसर आ गया, शायद प्रोफेसर था वो, 370 में उसने हिस्सेदारी की, तो 370 में हिस्सेदारी के लिए उसने, यहां कोई आ गया कोर्ट में थोड़ी देर के लिए, उसने आर्ग्यूमेंट किए या कैसे अपीयर हुआ वो सुप्रीम कोर्ट में। अरे भाई कोई बात नहीं, 370 का मुकदमा है, कोई देश में जंग थोड़ा छिड़ रही है, कोई मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट के आया उसमें डिस्कशन के, किसको डर है, क्यों डर है भाई। डर होता चोरों को, वरना कोई बात है खुला, उसमें संवाद होना चाहिए देश में। जब कोर्ट में है मुद्दा तो क्या दिक्कत है। तो पता चला जिस दिन वो बेचारा प्रोफेसर यहां अपीयर हुआ, अगले दिन उसको नौकरी से हटा दिया। ये सिचुएशन इस देश की, ये इमरजेंसी नहीं तो क्या है। और तो शुक्र है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में जो है उनकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दम है, उन्होंने जिक्रा किया अटॉर्नी जनरल को भी, सोलिसिटर जनरल को भी, क्या हुआ। तो उन्होंने जब जिक्र किया तो चुपचाप जाके उसको अगले दिन रिइंस्टेट किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। अरे ये काम तो वकीलों को भी करना चाहिए था। पाकिस्तान को हम अपने से बैकवर्ड देश बताते हैं, पाकिस्तान का चीफ जस्टिस को वहां की सरकार हटा देती है, हटाने के बाद सारे देश के वकील सड़क पे आ जाते हैं, और हटा हुआ चीफ जस्टिस इस देश में, इस पूरे ग्लोब पे, धरती पे को भी दोबारा नहीं लगा, वो पाकिस्तान में लगा। हटाया हुआ चीफ जस्टिस दोबारा गद्दी पे बैठा लोगों के प्रेशर की वजह से। तो बताओ डेमोक्रेसी हमारे से ज्यादा कहां है, पाकिस्तान में है नहीं क्या। उसको हम ऐसे बदनाम करें जिसकी पड़ोसी से नहीं बनती, उसकी किसी से नहीं बनती। इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग। अगर हम घर में हैं, अगर हमारी पड़ोस में नहीं बनती तो हमारे अंदर कमी है। तो बार बार ये चिल्लाने से फलाना देश बुरा, फलाना आदमी बुरा, ये वो लोग करते हैं जिनके पास सोल्यूशन नहीं है, संवाद नहीं है, हिम्मत नहीं है, जिनका हिडन एजेंडा है। वरना पड़ोसी का क्या बुरा, कुछ उसकी मान लो, कुछ अपनी मनवा लो, संवाद होगा तो सब कुछ हल होगा। वो सर एक और बात कहते थे चौधरी छोटू राम लोगों को भाषण देते वक्त, कि मंडी और फंडी से बचो। मैं आपको बताना चाहता हूं उसका मतलब क्या है। फंडी का मतलब उनका था जो आस्था के नाम पे आप लोगों को दास बनाते हैं, जो उसका लॉजिकल आंसर नहीं देते या उनके आंसर देने से भागते हैं, जो लोग ये कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो मान लो, उनका नाम उन्होंने रखा, उस वर्ग का नाम रखा फंडी। फंडी मतलब आस्थाओं को चुपचाप मान लो, और जबकि आदमी मानने वाली चीज नहीं है, आदमी समझ के मानने वाली चीज है अस्तित्व में। यही संघर्ष चलता रहा। उन्होंने एक बड़ी बात कही, और मेरा अपना निजी शोध ये है कि जहां जहां आस्थाएं लगातार जारी हैं, यानी फंड जारी है, यानी उस फंड को बढ़ावा देने वाले फंडी लोग अभी हैं, तो वहां पे मंडी हावी है, यानी कैपिटलिज्म हावी है। क्योंकि आस्था लोगों को दास बनाती है, और जहां जहां पूरी दुनिया में नजर मारो, जहां जहां आस्थाओं का ठोर ठिकाने मजबूत हैं, वहीं पे कैपिटलिज्म हावी है। क्यों? आस्था सिखाती है कि कोई ऐसा है, आपके कर्म ऐसे, इसलिए आप तो भुगतो ऐसे ही। वो बराबरी का दर्जा ही नहीं देने देती, बराबरी का कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं होने देती। आस्था इस बीमारी का नाम है, आस्था एक दास्ता है, और आस्था से जहां जहां आदमी निकलता है वो कैपिटलिज्म का मुकाबला करता है, यानी उसके बीमारी को भी समझता है। ये दोनों सिक्के के पहलू हैं, मंडी और फंडी, आस्था और कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म भी उसी तरह से है जैसे
आस्था में है कि किसी की किस्मत अच्छी, तो कैपिटलिज्म वाले मानसिकता का भी यही है कि मेरे पैसे मैंने पैसों से और पैसे कमा लिए और जितने मर्जी बना लूं, चाहे मैं अंबानी अंबानी का फूफा बन जाऊं, पूरे देश की संपत्ति मेरे पास हो जाए, तुम क्या, तुम्हारे तो कर्म माड़े हैं। तो ये नॉनसेंस अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि एग्जिस्टेंस में कोई भी नौकर और मालिक का रिश्ता ही नहीं है। अस्तित्व में हमने ही कहानियों में शेर को जंगल का राजा बना दिया, वरना बंदर तो बहुत बार उसकी बेइज्जती करता है और वो चुपचाप चलता हुआ नजर आता हमारे को शेर। ये आदमी ने कहानियां गढ़ रखी हैं अपनी मानसिकता के अनुसार, क्योंकि उसकी मानसिकता जब शासन की होती है तो जंगल का शेर का भी शेर एक मालिक बना देते हैं कहानी में। तो कहानी जानवरों की लागू इंसानों पर करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। इसका वक्त आ गया है, समाज इससे आगे बढ़ेगा। और साथियों एक और बात, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आस्था की भी बात है और साथ में फंडामेंटल राइट की बात है। अरे फंडामेंटल राइट मेरा स्पीकिंग का एक्सप्रेशन का है, तो मेरा ये कहना है कि फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेस बड़ा है तुम्हारी आस्था से। अगर तुम्हारी आस्था मेरी टांग बांधती है तो तुम्हारी आस्था को लात मारते हैं हम, तुम्हारे को जवाब देना पड़ेगा। तुम्हारी आस्था किस पे डिपेंड करती है बताओ, प्रश्नों का उत्तर दो। आज मेरा बच्चा कुछ बात पूछता है, मेरा बच्चा पूछता है मेरे से, ये लाइव बात कर रहा हूं मैं अपने घर की, कि पापा गीता में तो ये लिखा है, श्री कृष्ण के मुख से ये कहलवाया गया है किताब में कि मैंने ही चार वर्ण बनाए हैं, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बोला पापा एससी एसटी तो अछूत थे, वो किसी वर्ण में नहीं आते, तो या तो कृष्ण झूठा या कृष्ण नकली, जवाब दो। और मैंने आंसर दिया बेटा ये कृष्ण भी झूठा, ये गीता भी झूठी, क्योंकि जब या तो कृष्ण बेवकूफ नहीं हो सकता, इसका प्रश्न ये घर में चर्चा का विषय है, ये कोई आस्था के नाम पे चुप रहने की बात नहीं है। आप लोगों के चेहरों पर जबान पर लगाम नहीं लगा सकते, आस्था बहुत छोटी चीज है हमारे फंडामेंटल राइट के आगे, और आस्था को हमने कुचलना होगा फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन के द्वारा, और देश और दुनिया को तभी आगे बढ़ पाएगी। आस्था इतने सालों से, हजारों हजारों साल से बेवकूफ बना सकती है कोई आस्था? वी हैव टू टेस्ट लॉजिकली रीजनिंग के साथ, हमें हमारी किताब हमारे बुजुर्गों ने लिखी उन पे हम कोई लाछ नहीं लगाना चाहते। क्या वक्त था, कैसे लिखी, क्यों लिखी, नो प्रॉब्लम। हम प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या प्रेजेंट सिनेरियो में वो लागू होती है? लागू करे तो झगड़ा होता है, झगड़ा चाहिए क्या, समानता चाहिए कि नहीं चाहिए? और हिसाब लेना पड़ेगा आस्थाओं से, रिलीजियस बुक से, रिलीजियस लीडर से, रिलीजियस स्थानों से, के बताओ 700 करोड़ को जोड़ने के लिए तुमने क्या काम किया, क्या प्लान है तुम्हारे पास? 700 करोड़ लोग तुम्हारे इन घरों में घुस नहीं सकते, तुमने अलग अलग लोगों के लिए घर बना लिए। मानव जाति ऐसा नहीं चाहती। और साथियों मानव जाति का एग्जिस्टेंस में अगर रिलीजन कोई है, वो एक व्यवस्था है, अस्तित्व में व्यवस्था है सबके लिए, सब उसको समझ सकते हैं। हमें तो सिर्फ व्यवस्था, उस अस्तित्व की व्यवस्था के अनुरूप जीना भर है, इससे बड़ा कोई काम मानव जाति का नहीं है। अब व्यवस्था के अनुसार नहीं जी रहे, इसलिए तो पोल्यूशन है, लड़ाई हो रही पॉलिटिकली। पूंजीपति राज्यसभा लोकसभा में पहुंच रहे हैं और उनको चाहिए जंगलों का अंदर दबी हुई खदाने, धरती माता का दूध पी के हम अपनी माँ का बड़े हुए हैं। और आज मैं ये कहने लगूं बुढ़ापे में, माँ बूढ़ी हो गई, माँ दूध तो अब तेरे पास है नहीं, जब तेरी किडनी खा लेते तेने मरना तो है ही। तो धरती के साथ वो सिचुएशन कर रही है मानव जाति, और ये सारी सुप्रीम कोर्ट और सारे ह्यूमन राइट कमीशन दुनिया के चुपचाप मुख दर्शक बन के खड़े हुए हैं, नकली हैं, रबड़ स्टैंप हैं, नाम नाम के नौकरियां कर रहे हैं, नाम रख रखे ह्यूमन कमीशन के चेयरमैन, ह्यूमन राइट को समझते नहीं, घर में ह्यूमन राइट को लागू नहीं करते। इस तरह के लोगों का कब्जा है और कब्जा छुटवाना है सबको मिलके। और दोस्तों किताबें इंसान लिखता है, इंसान किताबों से बड़ा है, किताबें इंसान को बंधक नहीं बना सकती, इसलिए उन पे चर्चा होना और उन पे क्वेश्चन रेज करना प्रेजेंट सिनेरियो में कोई बुरी बात नहीं है। उन पे क्वेश्चन ही ना रेज करें फिर तो आप और हम इंसान हैं या तोते हैं, पिंजरे के तोते, के तोते की तरह बोलना आपको बस। यही है शासन मानसिकता कि मैंने जो कह दिया उसको आप काट नहीं सकते। तो हमारे बुजुर्गों ने जो किताबें लिखी हैं वो किताबें न केवल एक सेक्ट की है, एक धर्म की है, ये धर्म धर्म कुछ नहीं है, ये रिलीजन है, ये संप्रदाय है। धर्म एक व्यवस्था है जिसमें पूरी मानव जाति समाती है, वो धर्म है।
ये सारे संप्रदाय इनको धर्म भी मत कहा करो ना, इनको धर्म सोचो कि मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया, उसका धर्म भ्रष्ट हो गया, कोई घंटे का धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ किसी का। बहुत जल्दी धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं, धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहे, मानसिकता भ्रष्ट हो रही है हमारी, धर्म कोई भ्रष्ट नहीं होता। साथियों, एक तो ये दोनों कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, इनह्यूमेन है। रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ डेमोक्रेसी, रूल तो कति मिटाना है, रूल तो बच्चा भी नहीं चाहता माँ का रूल अपने ऊपर। ये एक व्यवस्था है म्यूचुअल सपोर्ट की, उपयोगिता पूरकता की, पूरा अस्तित्व वैसे ही काम करता है। तो रूल ऑफ लॉ नहीं चाहिए, सिस्टम ऑफ लॉ चाहिए, शासन नहीं चाहिए, व्यवस्था चाहिए। और ये मैं क्यों ऐसा जिक्र कर रहा हूँ, विद इन वन मंथ हम एक और सेमिनार करना चाह रहे हैं, बड़े जगह पे करेंगे, जिसमें सीधा आह्वान होगा पूरे देश को, अब शासन नहीं व्यवस्था चाहिए, अब शासन नहीं व्यवस्था चाहिए, डिग्निटी नहीं है, या डिग्निटी ऑफ लेबर ही नहीं देश में, बेड़ा गर्क हो गया देश का। और इस देश को सब ने मिलजुल के आगे, कोई एक मसीहा आएगा, इस फ्रॉड में मत फंसो, एक मसीहा के चक्कर चक्कर में तो हमने आज तक अपना शोषण करवाते रहे, कोई अपने को हीन दमनता रहा, कोई दीन समझता रहा, कोई मूर्ख समझता रहा, किसी को मूर्ख कहते रहे। तो एक मसीहा वसीहा का चैप्टर खत्म, पूरा कांटा 100% नॉनसेंस बात। और ऐसे ही कोई एक आदमी एक नेता ही कल्याण करेगा, बिल्कुल कांटा, शासन नहीं है, शासन मानसिकता है। ये बदमाशी बंद करनी पड़ेगी देश में, और व्यवस्था इसकी जगह पे चाहिए, शासन नहीं व्यवस्था। आप सबका आह्वान करते हैं, सब साथियों का सहयोग भी चाहिएगा उसमें, हम सब पॉलिटिकल पार्टी के भी लोगों को सबको बुलाएंगे, इंक्लूडिंग शासन अपोजिशन कोई भी है, जिसका दिल करे वो आए, हम सबको बुलाएंगे और सबके सामने ये कहेंगे कि शासन वासन की मानसिकता से बाहर निकलो, आप क्लास अटेंड करो इस बात की, कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था चाहता है। ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई है, प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बाकी बेवकूफ ऑफ द इंडिया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाकी बेवकूफ। न्याय के नाम पे जजमेंट आ रही है, न्याय नहीं हो रहा। यहाँ पे क्या हो रहा है, जजमेंट आ रही है, दो पड़ोसियों का झगड़ा हुआ, एक के पक्ष में फैसला आ गया, दूसरी अदालत में उल्टा हो गया, तीसरी में फिर कुछ और हो गया, सुप्रीम कोर्ट तो आते आते वो मुकदमे लड़ने वाले बूढ़े हो गए, कुछ तो मर गए। वो पड़ोसी से पड़ोसी बात नहीं कर रहा, दो भाई बात नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट को चिंता नहीं, हाई कोर्ट को चिंता नहीं। अरे दो भाई हैं, इनको मिलाना है, बेवकूफ हो, इनको तोड़ना नहीं है, न्याय करना है, फैसले नहीं करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में किसी में भी कम से कम नीचे की अदालत की तो हिम्मत ही नहीं, उनको तो ऊपर से जैसे बोलेंगे उसको फॉलो करना है, पावर है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है जो अलग रास्ता बना सकती है। अरे भाई हमें फैसला नहीं चाहिए, हम तंग आ गए तुम्हारे फैसलों से, और इनका ठिकाना भी थोड़ा नीचे करना पड़ेगा, ये जो ऊपर बिठा रखे हैं ना, इनको बराबर में करना होगा, भागीदारी करनी होगी। इसलिए मीडिएशन अब लोगों को पसंद है, मीडिएशन में दोनों पार्टियां सामने बैठती हैं, वकील बैठता है, क्योंकि जजों ने भी समझ लिया, वो ये तो नहीं चाहते हमारी नौकरी खराब हो, वो नौकरी सुरक्षित रखना चाहते हैं, पर उनके समझ में आ गया हमारे बस का कुछ नहीं है, हम इस देश के साथ न्याय नहीं कर सकते, नौकरी कर सकते, पेंशन ले सकते हैं। और बहुत सारे जजेस तो इतनी लंबी लंबी जीभ निकाले रहते हैं आफ्टर रिटायरमेंट अपॉइंटमेंट के चक्कर में, इंडिपेंडेंस कह रहे हैं कि भाई जब मेरे कोई मैं जीभ निकाल रहा हूं तो मैं कैसे बोल पाऊंगा। तो सारी की सारी ये अपॉइंटमेंट, इस तरह के जो एक्ट बना रखे हैं, इनको दाना डालने के लिए सारे, तो ये बकवास बंद होनी चाहिए, इसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। SCBA नहीं बोलेगी, SCBA का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हो सकता ना बोलें, क्योंकि सरकार के साथ मिलकर या प्रैक्टिस चमकाने के लिए मोटी मोटी फीस लेकर नोटिस कराने के जाल में उड़ जा हुआ है वकील बिरादरी। देश तो इंतजार कर रहा है कि वकील कुछ करेंगे, बातों बातों में कहते हैं आज़ादी में वकीलों ने ये कर दिया, फलाना कर दिया। अरे 75 साल की आज़ादी में क्या किया, उसका हिसाब दो देश को, पहले तो कर दिया जिसने जो करना था। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।